गुड मॉर्निंग गाइस, ये है हमारी डे थ्री की शुरुआत पिथौरागढ़ से। मेरे पीछे आप देखिए, पिथौरागढ़ सिटी बहुत ही बड़ा शहर है और बहुत ही दूर तक बसा हुआ है। अब मैं फिलहाल चलता हूँ नीचे की तरफ, आपको दिखाता हूँ कुछ रोड के नज़ारे। बाकी आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। मॉर्निंग 9 AM, हमने अपना रूम चेकआउट कर दिया है। ये पीछे रूम था हमारा, ऑन रोड ही था, कॉस्टिंग भी सही थी। 200 रुपीज़ ईच पड़ी है, यानी कि 4 लोगों के लिए 800 रुपीज़ का रूम था। तो मतलब इतनी ज़्यादा महंगा ही नहीं है पिथौरागढ़ में। और मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की पिथौरागढ़ के अंदर, यहाँ पर नॉन वेज का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब कि हर दूसरी शॉप पर आपको नॉन वेज ही मिलेगा, यहाँ पर वेज बहुत कम मिल रहा है। अभी हम यहाँ पिथौरागढ़ से निकले हैं फिलहाल, और अभी हमें जाना है आज चंडाक। चंडाक क्या है कि थोड़ा सा अपहिल स्टेशन है पिथौरागढ़ से, तो उसको देख के आते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर बताया जाता है, देखते हैं कि आखिर कितना ये सुंदर है और क्या हमें अच्छा लगता है या फिर नहीं। पिथौरागढ़ से चंडाक की तरफ लगभग 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद में एक व्यू पॉइंट आया है। मैं इसको ऊपर से आपको दिखाता हूँ नज़ारा, क्योंकि फिलहाल आप यहाँ से देखो यहाँ से कैसा सीन आ रहा है। इस व्यू पॉइंट से देखने के बाद हमें लगभग पिथौरागढ़ की आधी से ज़्यादा बस्ती हमें दिखाई दे रही है। और देखिए पिथौरागढ़ कितना बड़ा शहर है, कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। इतनी ऊपर से देखने के बाद में हमें इतने सारे घर बने हुए दिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा शहर है। ऊंचे से एक व्यू पॉइंट पर है, बहुत ही ऊंचा है, और यहाँ से मैंने आपको सीन दिखाया कितना शानदार है। आप देखो पिथौरागढ़ पूरा घाटी में दिख रहा है, पूरा घाटी में बसा हुआ है। ऊपर पहाड़ यहाँ से शुरू होते हैं, इधर ऊपर 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 तक सब पिथौरागढ़ ही है। जो भी हमें दिख रहा है सब पिथौरागढ़ दिख रहा है। चंडाक की तरफ चलते हुए एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, सुंदर बना हुआ है, मेघना रेस्टोरेंट। वहाँ का व्यू पॉइंट है ये, और वहाँ से बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आता है। आप देखिए कि यहाँ से कैसा लगता है हमारा पूरा पिथौरागढ़। वहाँ से मैंने आपको व्यू दिखाया था, और अब देखिए हम कितनी ऊपर हैं। यहाँ मेघना रेस्टोरेंट है, ये पूरा बहुत ही शानदार बना हुआ है, और ये नीचे से ही दिख जाता है, यानी कि चंडाक का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं आप इसे। वाह, बाकी एक बार आप इसका व्यू चेक कर लो कि कैसा ये रेस्टोरेंट है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर कुछ भी तरीके से मतलब किसी भी लिए आते हैं, तो आप यहाँ पर कैसा फील करेंगे, क्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको शो करने वाला हूँ। तो फिलहाल हमारी मैगी रेडी हुई है, और ये हम यहाँ से एंट्री करते हैं। कुछ इस टाइप का सीन है। और ध्रुव भाई मैगी एंजॉय करते हुए, हाउ इज़ द टेस्ट? अभी हम आ चुके हैं चंडाक का प्रसिद्ध मोस्ट मान मंदिर। ये होते हैं हमारे पहाड़ी घर। अभी हमने मोस्ट मानो टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं, और अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा नाश्ता पानी वगैरह करेंगे, क्योंकि मेघना कैफ़े में तो इतना अच्छा लगा नहीं। वहाँ का जो टेस्ट था वो भी इतना अच्छा नहीं था, ऊपर से क्वांटिटी भी बहुत कम थी। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता कहीं और करने का प्लान है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ मिलते हैं आपको।
भाई साहब 11 बज चुके हैं और अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट में रुके हुए हैं। कोई ध्रुव भाई के जानने वाले हैं भंडारी जी, उनके यहाँ पर फिलहाल हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट होगा फिलहाल, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अभी हम थोड़ा सा निकले नहीं है, 11:30 बजे तक निकलने का प्लान है। टकाना रोड पर उनका ढाबा है, वहीं से हम ब्रेकफास्ट करके फिलहाल निकलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है भाई, पिथौरागढ़ के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, रोड्स इतनी सारी हैं और कई जगह ट्रैफिक इतना हो जाता है कि वहाँ पर पुलिस को वन वे करना पड़ता है, तो एंट्री बंद हो जाती है टू व्हीलर्स को, फोर व्हीलर्स की। हालांकि टू व्हीलर्स वगैरह जा सकते हैं और कुछ मार्केट्स में तो टू व्हीलर की एंट्री भी क्लोज है। तो ऐसे में बहुत ही बड़ा, मतलब पहाड़ों पे इतना बड़ा एक एरिया होना बहुत ही अपने बात में एक बड़ी बात है। अबाउट 80,000 की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है। मैंने तो आज तक अभी तक कोई इतना बड़ा शहर देखा नहीं है पहाड़ों में, जितना मैंने अब पिथौरागढ़ को देख लिया है। फिलहाल इस ब्लॉग में हम पिथौरागढ़ से कवर करेंगे अल्मोड़ा तक, और हम फिलहाल यहाँ से घाट तक जाएंगे। घाट तक का रास्ता तो आपको पता ही है, जब हम टनकपुर से आए हैं पिथौरागढ़ के लिए तो घाट से होकर के आए हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, तो उसी रोड से हमें अल्मोड़ा नैनीताल पकड़ना है, अल्मोड़ा के लिए वहीं से निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिलहाल आपसे अब रोड पर ब्रेकफास्ट करने के बाद। चलो जी, 11:30 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं यहाँ से पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा के लिए। घाट वाले रास्ते पर चलेंगे, ये रास्ते पर हम हैं फिलहाल ही, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू। बाकी रास्ता सेम ही है। अभी हम रुके हुए हैं गुरना माता मंदिर के पास में। पीछे देखो मेरे पास बोर्ड लग रहा होगा, मेरे जैसे पीछे गुरना माता मंदिर, और यहाँ पर एक पानी का स्रोत है, वहाँ से पानी भरेंगे फिलहाल तो पियेंगे, काफ़ी ठंडा पानी होता है यहाँ का। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अरे वहाँ नहा लेंगे, कुछ इस टाइप का सीन है यहाँ का। और ये सामने हमारे पिथौरागढ़ डिपो की गुरुग्राम वाली बस खड़ी है, जो बनबसा ढोलाकुआ एम्स गुड़गांव इस रोड से आई है। ये लोग भी अपना रुके हुए हैं पानी वानी पीने के लिए, और इधर गुरुना माता का मंदिर है वहीं पर हम चल रहे हैं फिलहाल। ये सीन है गुरुना माता मंदिर का, और आप देखो कितनी ऊंची यहाँ पर पहाड़ी है। ओ माय गॉड, अल्मोड़ा यहाँ से 88 किलोमीटर है। हम घाट पर लगभग पहुँचने वाले हैं और हम घाट से अब इस पुल को क्रॉस करेंगे। घाट कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक पुल की जो जगह है यही इसी चीज़ का वो घाट बोलते हैं। अब हम उस रोड पर आ गए हैं जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, जहाँ से हम पिथौरागढ़ के लिए मुड़े थे, और अब हम मुड़ गए हैं यहाँ से अल्मोड़ा के लिए। वही रिवर जो घाट में है, और घाट से ये हमारे साथ साथ चल रही है, शायद पनार तक चलेगी। 5 किलोमीटर से पनार है, सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। पनार से थोड़ा पहले यहाँ एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रामेश्वर, और रामेश्वरम गांव एक बहुत ही सुंदर गांव है, घाटी में बसा हुआ है, नदी के किनारे हैं। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती जो आंखों से देखते ही बनती है। पनार के पास पहुंचने पर ही तो हम जगह पर है इस समय, ये पनार है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय कैसा माहौल हो गया है, रोड बिल्कुल ख़राब सी हो रही है। गाइस अभी हम आ चुके हैं पनार में, पनार एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ पर हमें ध्रुव भाई ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में। इनका तो ये पूरा रोड छाना हुआ है, तो इन्होंने बताया कि जहाँ से हम आ रहे हैं इधर से ये रोड घाट से आया है, और अगर जहाँ इधर हम जाएंगे पीछे, हम जाएंगे अब अल्मोड़ा की साइड, और सामने की तरफ निकल जाएंगे गंगोली हाट, जो शायद पिथौरागढ़ की तहसील है।
पिथौरागढ़ की तहसील है गंगोली हाट, उससे निकल जाएगी। शहर है चलिए उससे आगे बेरीनाथ। गाइस ये है मकड़ाऊ यहाँ से 2 किलोमीटर और हम यहाँ पर रुके हुए हैं फिलहाल और व्यू का एंजॉय ले रहे हैं। और आप देखो यहाँ से कितने पहाड़ दिख रहे हैं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ गिन के। जी कैसे लोकेशन पर रुके हैं हम, जहाँ पर दोनों तरफ पहाड़ है, इधर भी और इधर भी, और दोनों तरफ पहाड़ होने के बाद में आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही शानदार लोकेशन है, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में इधर से ये हमारी एंट्री इस तरफ, और ये हम रोड से बिल्कुल साइड में आ चुके हैं। ये और ऐसी जगह बहुत बढ़िया होती है कैंपिंग वगैरह के लिए भी, क्योंकि ये हल्का सा स्लॉट जो है वो काफ़ी खाली पड़ा हुआ है। तो हमारी गाड़ी खड़ी है और इस तरफ इधर का रोड है सामने तरफ, जो आपको नीचे रोड दिख रहा है जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, कि जो आपको रोड दिख रहा है नीचे वीडियो में जो मैंने बताया था ये वही है लोहा घाट वाला। तो आप देख ही रहे हैं पीछे लोकेशन मेरी कितनी शानदार है, और मैं आपको ये बता दूँ कि लोकेशन किस पॉइंट पर है। हम दिहाड़ी से निकलते हैं और दन्या के लिए, तो दिहाड़ी और दन्या के बीच में दिहाड़ी से लगभग 2 किलोमीटर आगे, ये डिस्टेंस इतनी कवर करने के बाद में आपको ये पॉइंट मिलता है जो दो बिल्कुल पहाड़ को काट के रास्ता बना हुआ है, इस टाइप से बोल सकते हैं आप, बहुत ही मस्त जगह है। और इधर पीछे ये जो प्लेस है एकदम ओपन प्लेस है, यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, बहुत ही शानदार जगह है। और कभी अगर आना हो तो कैंपिंग का मज़ा उठाना हो तो इस रोड पर इस पॉइंट को ज़रूर फोकस कीजिएगा। अभी हम दन्या पहुंचने वाले हैं और दन्या में हमारा भोजन करने का प्लान है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 2:30 बज चुके हैं, दन्या में भोजन करके ही अब आगे निकला जाएगा। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ऐसी जगह ढूंढने को आप तरसते हैं कि पहाड़ों पे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ से हम से जो और पहाड़ हैं वो सब छोटे छोटे नज़र आएँ। और रास्ते यहाँ के क्या खूबसूरत है, इस रोड की जो खूबसूरती है वो देखने लायक है। 115 किलोमीटर का ये सफ़र है पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा तक, लेकिन यकीन मानिए कि आपका मन नहीं करेगा इस रोड से बाहर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो आपको पहाड़ दिखते हैं, जो रास्ते दिखते हैं, जो व्यूज़ आते हैं गांव के, वो सब लाजवाब हैं। एक बार यहाँ आने का ट्राई जरूर करिएगा। एक ये बहुत ही आसपास के एरिया में ऊंचा पॉइंट था, क्या बोलते हैं इसको, सांस्कृतिक पट। सांस्कृतिक पट जो यहाँ पर एक चट्टान है जो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए बनाई गई है। अरे ओ यहाँ से खींचो, इस पर तो बंदर फंसा है रोड पर, तो ये बैठे थे वो सब, चार लोग हैं हम।
7:30 बजे अल्मोड़ा कुछ इस तरीके का दिख रहा है, चमकता हुआ। बस 8:10 हो चुकी हैं और फिलहाल अभी हम आ चुके हैं कहाँ पर, मालोड़ अल्मोड़ा में, यानी कि अल्मोड़ा में हम आ चुके हैं। अपना रूम वगैरह देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि रुकने का। बस अभी हम हैं यहाँ माल रोड पर, लंच वगैरह मतलब डिनर वगैरह हमने कर लिया है, रूम भी ले लिया है, रात काफ़ी हो गई है, लगभग 9:30 बज चुके हैं। तो आज हम अपने डे 3 का यहीं पर एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है मेरे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, डे 4 की शुरुआत करेंगे अल्मोड़ा से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।